रिटर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आज के इनर सर्कल मास्टरमाइंड में मैं प्रदीप कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जो आप अपने इतने इंपैक्टफुल वीडियोस बना पा रहे हैं, होप सो आपको भी अभी ये रियलाइज होगा होगा कि जब आपने इस वीडियो मेकिंग की जर्नी को पिछले 1 से 1.5 महीने पहले शुरू किया था, तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो किस तरह से आपने बनाया था, बट अभी आप कितना कॉन्फिडेंट होकर और कितना बिल्कुल वेरी इजिली आप वीडियो को फॉलो में बना पाते हैं। So, ये आपकी मेहनत का, आपकी कंसिस्टेंसी का ही आपको रिजल्ट मिल पा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, इट्स ओके फिर, है ना, अभी तक नहीं शुरू किया दोस्तों, आज से कीजिए, अभी से कीजिए, क्योंकि देर उसके लिए होती है जो शुरुआत नहीं करते हैं, राइट। तो आज से और अभी से अपनी शुरुआत कर दीजिए। बेशक आप एक चैलेंज लीजिए, है ना, अगर आप लंबा चैलेंज नहीं ले सकते तो आप एटलीस्ट 3 डेज का चैलेंज लीजिए, आप 7 डेज का चैलेंज लीजिए, उससे आप शुरुआत कीजिए। बट एक हैबिट को डेवलप कर लीजिए। हैबिट मींस, जैसे हम खाना खाते हैं, है ना, हम जो भी अपने डेली रूटीन्स के काम करते हैं, जिस तरह भी आप सोने जाते हैं, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने घर के बाकी रूटीन्स करते हैं, राइट। तो एक अपनी डेली हैबिट को डेवलप कर लीजिए कि हाँ, मुझे 1 से 2 वीडियो तो बनाने ही बनाने हैं, और वीक में स्पेशल 2 दिन को डिसाइड कीजिए। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा आपको, वीक में आप ऐसे 2 से 3 दिन निकालिए, या फिर एटलीस्ट वीक में 1 दिन तो रखिए, उस दिन आपको अपने वीडियोज बना लेने हैं वीक भर के। उस वीक के वीडियोज बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको अपने कंटेंट की, राइट। तो आपको, आपके पास में मैं सजेस्ट करूंगा, एक डायरी होनी चाहिए जिसको बोलते हैं कंटेंट मेकिंग डायरी। तो इस तरह की एक डायरीज आप ले लीजिए, और उसमें आप डेट वाइज या वीडियो के टॉपिक वाइज आप उनके टॉपिक और सब पॉइंट लिख के रखे। उससे होगा क्या, जैसे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, देन फिर हम अपने वीडियो एडिटिंग के पार्ट पर चलेंगे। सो आपको एक यहाँ से थोड़ा सा ओवरव्यू मिल पाएगा जितने बाकी लोग हैं। उसमें होगा क्या दोस्तों, आपको जब आपके पास में कंटेंट होंगे, टॉपिक्स होंगे, जब आप अपने वीडियोस को शूट करेंगे तो आपको ज्यादा टाइमिंग नहीं लगेगा। और जिसने स्पेशली अपने 100+ वीडियोज बना दिए, उनके लिए तो जर्नी बड़ी इजी रहने वाली है। उनको क्या करना, 1 शॉट में ही 1 ओके वीडियो हो जाएगा उनका, चाहे वो 2 मिनट का है, चाहे 5 मिनट का है, या फिर मैक्सिमम 8 से 10 मिनट के आपके वीडियो जाए। जनरली आपके 4 से 7 मिनट के वीडियोज होंगे, लॉन्ग वीडियोज भी, और छोटे वीडियोज की अगर मैं रील्स की बात करूं तो वो आपके 1.5 से 2 मिनट के होंगे मैक्स टू मैक्स। सो दैट आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने वीडियोज को बना लेना है। उससे होगा क्या कि आप बड़े ही इजीली वे से आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर पाएंगे, राइट। ओके, लेट मी, शायद लीव हो गया हूँ, मैं अपनी फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ, सो दैट फिर मैं अपने फोन से ही आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। Let me make co-host, क्योंकि जो हमारी वीडियो एडिटिंग का पार्ट है वो मोबाइल से होगा। किन किन लोगों ने वीडियो एडिटिंग को प्रैक्टिकली किया है, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स मी, यस प्रदीप जी, मैंने उसको वीडियो एडिटिंग को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है। गिव मी ए इन द चैट बॉक्स मी, यस प्रदीप जी, मैंने इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है। ओके, यानी काफी लोगों ने इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है, राइट, गुड, ग्रेट, ऑसम। मुनीता जिंदल मैम कह रहे हैं अनिल सालवी जी ने किया है इसको इंप्लीमेंट, एंड बाकी लोगों ने भी किया है, मोहित कुमार कक्कड़ जी ने किया है, विनय कुमार गुप्ता जी, वनीता जिंदल मैम, निधि गर्ग मैम, प्रवीण कुमार जी, दीपक जाधव जी, अमन शर्मा जी, चंद्रकला मानकर, आप में से 2-3 लोग थे जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया, मैंने आपको ऑडियो डाला, होप्स आपको उसमें थोड़ा हेल्प मिला होगा, सपोर्ट मिला होगा। बाकी मैंने बहुत ही बड़े इजीली वे से जर्नी को शेयर किया था, राइट। So, आपके प्रीसियस टाइम को देखते हुए लेट मी स्टार्ट दिस सेशन। आप सभी का हमारे आज के इनर सर्कल मास्टरमाइंड में मैं प्रदीप कुमार आकाश राज गुप्ता जी के साथ में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे दोस्तों, जो हमने पिछले वीक में वीडियो एडिटिंग फॉर्मूला को सीखा था उसके थोड़ा डीप लेवल में टच करेंगे, बट उसका एक छोटा सा रिकैप भी हम देंगे, राइट। ऑल्सो मैं बता देता हूं आपको, जिन्होंने अभी तक नहीं यहां पर किया है, इन शॉर्ट मोबाइल एप्लीकेशन हम ये सभी एक्टिविटी कर पा रहे हैं, राइट। इन शॉर्ट मोबाइल एप्लीकेशन ये आप सभी को गूगल प्ले स्टोर पे या फिर आपका आईफोन है वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर लेंगे। एटलीस्ट आप सभी ने किया है तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर फेस मिलेगा, एंड देन उसके बाद में हम अपने वीडियोज को सभी आज एक प्रैक्टिकल वे में थोड़ा सा डीप लेवल में सीखेंगे। थोड़ा सा एक मैं आपको रिकैप दे देता हूँ पिछले वीक का जो हमने सीखा था, या किस किस को चैलेंज आ रहा है, प्लीज गिव मी इन द चैट बॉक्स सी, यस प्रदीप जी मुझे वीडियो एडिटिंग में चैलेंज आ रहा है, गिव मी इन द चैट बॉक्स सी, मुझे चैलेंज आ रहा है प्रदीप जी, सो दैट फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा।
मुझे चैलेंज आ रहा है वीडियो एडिटिंग में। वाओ दैट्स ग्रेट ऑसम, यानी कि सभी का बहुत अच्छे से सारी चीजें जा रही है। ओके ग्रेट, रिकैप कर दो सर। हाँ यस वनीता मैम, रिकैप तो मैं एक शॉर्ट में करने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। और ये बाकी लोग गायब कहाँ जाते हैं कैमरे के पीछे, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया इस जर्नी के अंदर, राइट। जब मैं एक पार्टिसिपेंट था और एक मेंटर, जैसे मैं जीई गो सर, ओके लेट मी शेयर माई स्क्रीन ऑफ मोबाइल सो दैट मोबाइल में आप, आर यू रेडी पीपल, प्लीज गिव मी इन द थंब इंप्रेशन, आर यू रेडी। वाओ दैट्स ग्रेट ऑसम। बाकी जिनके कैमरा ऑन है उनको तो मैं देख पा रहा हूँ, जिनको फेयर वेरी सॉरी फॉर दैट ऑल पीपल। कुछ लोग के चैलेंज भी होते हैं मैं मानता हूँ, क्योंकि समय किचन के काम भी बढ़ जाते हैं, है ना, ऑफिस से आए थोड़ा किचन में भी हेल्प करानी है, डांट भी खानी है, ऑल द थिंग्स भी रहनी है, इट्स ओके। सो दैट बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके ये अभी मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की, एक बार मैं देखता हूँ इसको, कुछ अगर ये इस तरह से थोड़ा फुल स्क्रीन पे आ पाएगी, राइट तो कुछ इस तरह का हमने ये इंटरफेस होता है इनसॉर्ट का, जब हम इसको एडिटिंग पर लेते हैं, यहाँ से जब हम वीडियो पर क्लिक करेंगे। अभी देखिए, आपने अगर किसी ने वीडियो एडिटिंग किया होगा तो नीचे आपको ड्राफ्ट में आपके एडिट हुए वीडियो मिल जाएंगे आपको, राइट। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे पास में 140 ड्राफ्ट है, यानी कि मैंने 140 वीडियोज को ऑलरेडी एडिट करके रखा है। अगर मुझे उसमें कुछ री एडिट करना है, री एडिट मीन्स उनमें कुछ मुझे चेंज करना एडिटिंग में, राइट, सो दैट उसके बाद में फिर हम वहां से कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे न्यू वीडियो में एडिट करना है तो मैं प्लस न्यू से शुरू करूंगा, है ना, मैं न्यू से शुरू करूंगा। आप सभी का जो क्वेश्चन आंसर है, ऑलमोस्ट हम आफ्टर 1 आवर के प्रैक्टिकल सेशन के बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, प्लीज आपने राइट डाउन रखे, बीच में फ्लो को डिस्टर्ब ना करें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, राइट। तो आप भी एक रिदम में रहेंगे, फ्लो में रहेंगे, और मैं भी एक अच्छे से फ्लो में रहूंगा, एग्री या सो। यहां पर आप देख सकते हैं मैं बहुत ही आपको बेसिक चीज बता रहा हूं, अगर आपने अपने वीडियोज को एडिट किया है तो वो नीचे आपको ड्राफ्ट में मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर ड्राफ्ट पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे सारे वीडियो है जो ऑलरेडी मैंने एडिट करके रखा है। अगर मुझे इसमें से किसी भी वीडियो को री एडिट करना है, राइट, जैसे मान लीजिए मुझे इसको री एडिट करना है, ये मैं ओके करूंगा, और इसमें आई थिंक शायद मेरी इससे फोन मेमोरी से डिलीट हो गया है, सो ये शो नहीं कर रहा है। तो ये मेरे यहाँ पर सारे के सारे ड्राफ्ट में वीडियोज मुझे मिल जाएंगे। जैसे मैंने पिछले वीक में एक वीडियो एडिट किया था, राइट, यस, ये वाला मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया था, एडिटिंग के साथ में वीडियो, राइट। तो मैं इसको यहां से एडिट कर सकता हूं, मैं यहां से इसको री एडिट करता हूं, लेकिन मुझे इसको री एडिट नहीं करना है तो मैं वीडियोज पर जाऊंगा, यहां से एक न्यू वीडियो को मैं यहां पर चूज कर लूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा, प्लस पे गया मैं न्यू के ऊपर, और ये मेरी गैलरी ओपन हो गई यहां पर सभी की सभी, यस। तो यहां से मैं किसी भी वीडियो को ले सकता हूँ, यू कैन सी इन द गैलरी, ये सभी आपके व्हाट्सएप पे आप डालते हैं आपके वीडियोज है, मैंने भी कुछ वीडियोज बनाए हैं, सो दैट मैं इसको यहाँ पर ले सकता हूँ। जैसे मैंने एक वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसी वीडियो पर हम एडिट करेंगे, जनरल वीडियो है मैंने बनाया था अपने रील के लिए। सो, इसमें हमने पिछले वीक में सबसे पहले क्या सीखा था, टेक्स्ट, हमारे वीडियोज के ऊपर टेक्स्ट का होना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप बैकग्राउंड रखे ना रखे, क्योंकि एक वो आई कैचर बन जाता है ना, लोगों के साथ साथ बीच बीच में आपके टॉपिक्स आ रहे हैं, आप एडिटिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट आ रहा है, तो लोगों के लिए आई कैचर बन जाता है। जैसे एक बार सुनते हैं वीडियोज को, अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, प्लीज गिव मी इन द वॉइस क्लियर ऑफ वीडियो, यस ऑडियो क्लियर है, प्लीज गिव मी इन द चैट बॉक्स एसी ऑडियो क्लियर, प्लीज गिव मी एसी ऑडियो क्लियर, वीडियो का, मेरा नहीं, वीडियो का, जो मेरा ऑडियो प्ले हो रहा है फोन में, शेयर करें और आप भी हजारों लाखों लोगों, ओके दैट्स ग्रेट ऑसम पीपल, प्लीज रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, ओके दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो यहां पर मैंने क्या कहा, सबसे शुरू में मैंने ग्रीटिंग्स के साथ शुरू किया, दोस्तों आपने बहुत, जैसे दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा, मैंने सीधा एकदम से यहां पर क्या किया, उनको ज्यादा मैंने विशेष गुड इवनिंग वगैरह नहीं किया रील पे, मैंने इनको क्या किया,
सीधा उनको मैंने यहाँ पर, सोचा कि मैं भी एक इम्पैक्टफुल वीडियो बना पाऊं। दोस्तों आपने भी बहुत बार सोचा होगा कि मैं भी एक इंपैक्टफुल वीडियो बना पाऊं, राइट? तो अभी मुझे यहां पर क्या करना, सबसे पहले आप इसका साइज सेलेक्ट कर लीजिए। कैनवास पर जाकर जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है कैनवास पे, मैं यहां पर आपको सजेस्ट करूंगा 1:1 का या 4:5 का, क्योंकि अभी हम अपना रील का वीडियो सीखेंगे जो हमें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना है। अगर इसी वीडियो को मुझे यूट्यूब पर पोस्ट करना है तो मैं इसको 16:9 को यहां पर सेलेक्ट कर लूंगा, अगर मुझे इसको यूट्यूब के शॉर्ट पर अपलोड करना है, राइट? क्योंकि चूंकि मैंने वर्टिकल वीडियो फॉर्मेट में बनाया था इस तरह से, अगर जो मैं इसको हॉरिजेंटल में बनाता तो इसका व्यू और अच्छा आता। मैं आपको एक लेकर अभी दिखाता हूं, क्योंकि पिछले वीक हमने इस वीडियो यूट्यूब के वीडियो के बारे में, एडिटिंग के बारे में नहीं सीखा था, तो थोड़ा सा बेसिक उसको टच कर लेते हैं, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। साथ के साथ रिकैप भी करते जाएंगे और दूसरे टॉपिक को भी हम टच करते जाएंगे। अभी मैं यहां से बैक जाता हूं और इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूं। डिस्कार्ड मीन्स मैं इसको कोई भी एडिटिंग इसमें नहीं करना चाहता। यस, ये डिस्कार्ड हो गया। अभी मैं वीडियोज पर गया और न्यू पर मैंने क्लिक किया और इसमें मैं सिलेक्ट कर लेता हूं मेरा, जैसे यस मैंने एक वीडियो बनाया था, यस ये 2:39 का मैंने एक वीडियो बनाया था हॉरिजेंटल में यूट्यूब के लिए। मैंने इसको सिलेक्ट किया और अभी देखिए पूरे इसके ऊपर मेरा ये पिक्चर आया, मेरा पूरा वीडियो स्क्रीन के ऊपर आया। पहले क्या था, आपने क्या नोटिस किया, पहले ये वर्टिकल में था ऐसे, है ना? कैसे था ये, वर्टिकल में। अभी ये मेरा वीडियो कैसा है, हॉरिजॉन्टल में आया है। तो इसको मैं जब कैनवास पर जाकर, सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको कैनवास पर जाकर, ये ऑटोमेटिक ही 16:9 पर चला गया। क्यों? क्योंकि ये बना ही ऐसे फॉर्मेट में है। लेकिन अगर मैं इसी वीडियोज को एज ए रील के रूप में अपलोड करना चाहूं, है ना, एज ए स्टोरी के रूप में अपलोड करना चाहूं, तो मैं इसको फिर से 1:1 पर कर सकता हूं। और जैसे मैंने इसको 1:1 पर किया, इसका फॉर्मेट बदल गया, इसके ऊपर और नीचे स्पेस बन गया जो ब्लैक में आपको दिख रहा है ना, जो आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको जूम करता हूं, अभी ये फिट हुआ है स्क्रीन में, मैंने इसको थोड़ा सा अपने फिंगर और थंब की मदद से एक्सपेंड कर दिया इसको। अगर मैं इसको फिर से यहां पर मिनिमाइज करता हूं, यू कैन सी इन द पिक्चर, दैट इज ये ओरिजिनल वीडियो है। इसके ऊपर और नीचे आप ब्लैक शेडो देख सकते हैं, इट मींस ये अभी वर्टिकल फॉर्मेट में वीडियो बन गया हमारा, ये अभी रील के लिए रेडी हो गया वीडियो, ठीक है? लेकिन मैं इसको 16:9 पर रखता हूं। आज हम इसी में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे और सारी चीजों को मैं यहां पर रिकैप करता जाऊंगा, है ना? तो सबसे पहले हमें इसको टिक कर लेना है राइट का, कैनवास के राइट में एक राइट का टिक का निशान है, मैं इसको राइट कर लेता हूं। ओके, जैसे मैंने इसका राइट किया, देखो थोड़ा ध्यान से समझो दोस्तों, है ना, फोकस करो थोड़ा सा, ये ज्यादा इसमें मैं कहूंगा कि क्या बोलते हैं, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना? इसमें हमें सिर्फ दो चीज का ध्यान रखना है, हमें वीडियो अपना कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग एडिट करना है। हम उसको चेंज कर सकते हैं, दैट इज द डिफरेंट पार्ट, है ना, दैट इज आवर प्रोफिशिएंसी, है ना, आवर क्वालिटी, और या जो आपके पास में जो टूल्स है, सॉफ्टवेयर है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियोज फॉर्मेट में बना रहे हैं, जैसे जितने भी गोल्ड मेंबर्स है, आप सभी को चैलेंज कौन सा दिया गया है, आप सभी को अभी वर्टिकल फॉर्मेट में नहीं चैलेंज दिया गया है, सबको कौन से फॉर्मेट में चैलेंज दिया गया है, गिव मी इन द चैट बॉक्स, कौन से फॉर्मेट में आप सभी को चैलेंज मिला है, मुझे बताएंगे एक बार, कौन से फॉर्मेट में आप सभी को अभी चैलेंज मिला है? नॉट अनिल सालवे जी, वर्टिकल, दैट इज अपना इज राइट, यस अपना मैम ने कहा है हॉरिजेंटल। अभी जो आपको वीडियोज बनाने हैं गोल्ड के अंदर, अपने टॉपिक से रिलेटेड या अपने कोर्स से रिलेटेड, वो कौन से उसमें बनाने हैं, ये इसमें बनाने हैं, हॉरिजेंटल में आपको बनाने हैं, राइट? और अगर आप वीडियो मेकिंग के चैलेंज में हैं, अभी सिल्वर मेंबरशिप वाले ग्रुप में हैं, तो अभी आपके चैलेंज कौन से चल रहे हैं, वीडियो मेकिंग के चैलेंज चल रहे हैं। और एक चीज मैं यहां पर जरूर से ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने 100 वीडियोज नहीं बनाए हैं, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, प्लीज 100 वीडियोज बना लीजिए, क्योंकि तब तक आपके अंदर से वो चीजें निकल के नहीं आएगी, है ना? जैसे मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है आज के किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है उसको, मैंने मोर देन
500 वीडियोज को एडिट किया हुआ अपने हाथों से। तो अगर मेरे टीम का मेंबर अच्छे से एडिट नहीं करता, मुझे उसी वीडियो में पता लग जाता है इसमें उसने थोड़ी काम चोरी की है। क्यों? क्योंकि मैंने उस एडिटिंग को सीखा है। इसलिए आपके लिए सीखना जरूरी है। सो अभी बढ़ते हैं हम, इसमें सबसे पहले एक टेक्स्ट लेते हैं, राइट? यहां पर टेक्स्ट लेते हैं। जैसे मैंने इसमें क्या कहा है, सबसे पहले कहा है, दोस्तों क्या आप भी अपने इंपैक्टफुल वीडियोज को बनाना चाहते हैं? एक मिनट में इसको प्ले कर देता हूं। पैसिव इनकम, सभी लोग चाहते हैं कि उनकी पैसिव इनकम हो। यस, इसमें मैंने यहां पर एक सबसे शुरुआत में ही पैसिव इनकम का जिक्र किया है ना। लोग बहुत चाहते हैं कि पैसिव इनकम हो, रेकरिंग इनकम हो। यानी पैसिव इनकम आते ही आदमी के दिमाग में क्या जाएगा कि उसको फुल टाइम काम नहीं करना है, थोड़े से एफर्ट्स लगाने हैं, थोड़ा सा उसको एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करना है और उसकी वो एक्स्ट्रा या पैसिव इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। कितने लोग अपनी पैसिव इनकम को जनरेट करना चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो भी चलता रहे, एक पैसिव इनकम भी हमारी आ जाए। टाइप इन द चैट बॉक्स पीआई पैसिव इनकम। तो ये मैंने एक थोड़ा सा वैसे बनाया था, थोड़ा छोटा वीडियो है, पीआई पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, सभी लोग चाहते हैं कि उनकी पैसिव इनकम हो। यस, ये मैंने सबसे पहले क्या किया, उनका अटेंशन को ग्रैब किया। पैसिव इनकम सभी लोग चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं। जैसे आप लोगों ने पीआई पीआई डाल दिया, कुछ लोग सोचेंगे यार प्रदीप जी आप तो चैट में एक्टिविटी ज्यादा रखते हैं, इसलिए रखता हूं कि आप सोना जाए, दूसरे काम में ज्यादा इंगेज ना हो जाए, थोड़ा फोकस आपका मेरे पास भी बना रहे। तो यहां पर हम टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे सबसे पहले, और मैं यहां पर कर देता हूं पैसिव इनकम, यानी उससे एक डायरेक्ट मैसेज जाएगा पैसिव इनकम का। तो इसको मैं थोड़ा सा अपने फिंगर और थंब की मदद से इसको मैं छोटा और बड़ा कर सकता हूं इस तरह से, इस टेक्स्ट को, और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे आड़ा तिरछा कर सकता हूं, नीचे लेकर आ सकता हूं, ऊपर लेकर जा सकता हूं, साइड में मैं इसको लगा सकता हूं। साइड में रील्स में हम बहुत अच्छे से लगाते हैं, उसमें हमें जगह मिल जाती है, लेकिन इसमें मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा आप इसको यहां पर नीचे अच्छे से टच करें। अब इसमें मैंने आपको तीन से चार चीजें बताई थी यहीं पर ही टेस्ट के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन सा रोल प्ले करती है? आपके टेस्ट का कलर और आपके टेस्ट का बैकग्राउंड, दो चीज होती है। एक वीडियो का बैकग्राउंड होता है, एक होता है आपके टेस्ट का बैकग्राउंड, एक होता है टेस्ट का कलर। तीन चीजें होती है, कभी भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, टेस्ट का कलर, टेस्ट का बैकग्राउंड और आपके वीडियो का बैकग्राउंड। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जहां पर इनकम के साथ में मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है उसके ठीक नीचे एक गोल सर्कल में मल्टी कलर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे हम इस पर टच करेंगे आपके लिए मल्टी कलर्स ओपन हो जाएंगे, राइट? तो नीचे आप जाएंगे, आप देख सकते हैं यहां पर जो प्लस का निशान है, पॉजिटिव का साइन है, इसके राइट में आपको बहुत सारे कलर मिल जाते हैं, राइट? इसमें क्या होता है, दोनों चीज आपकी चेंज हो रही है, बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है, आपका कलर भी टेक्स्ट का चेंज हो रहा है, दोनों ये कुछ बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाते हैं। अगर आपको ये बाय डिफॉल्ट नहीं चाहिए तो आप यहां ऊपर से भी कुछ कलर ले सकते हैं, राइट? आप एक बार बैकग्राउंड को सेट कर लीजिए अपने टेक्स्ट के, जैसे आपका हो जाता है उसके बाद में, जैसे मैं यहां पर मुझे थोड़ा सा नो यस, ये मुझे अपील कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ये अच्छा रहेगा, राइट? और इस पर ब्लैक कलर भी बहुत अच्छे से जच रहा है, राइट? तो बहुत अच्छे से ब्लैक कलर भी येलो के ऊपर बहुत अच्छे से जच रहा है। देखो मेरा वीडियो का बैकग्राउंड क्या है, मेरा टायर क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट का कलर रहेगा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहां पर एनएलपी इंप्लीमेंट हो जाती है। ऑप्शो आपको एनएलपी के बारे में अच्छे से पता है कि एनएलपी कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे किसी भी पार्टिसिपेंट को या अपने किसी भी लीड को आपका पार्टिसिपेंट्स बनाने के लिए, राइट? तो अब इसमें जैसे यहां पर आप देख सकते हैं राइट के क्लिक के ठीक लेफ्ट में एक व्हाइट गोल सर्कल अप एंड डाउन हो रहा है, राइट? तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इन आउट लूप, तो मैं लूप में जाऊंगा। लूप का मतलब होता है जब आपका टेक्स्ट आए और जाए वो हर समय उसी के अकॉर्डिंग एनिमेट करेगा। लूप का यहां पर क्या करेगा, एनिमेट करेगा। जैसे सबसे पहला है नन का, उसमें ऑप्शन आ रहा है, सेकंड आ रहा है ये हैंगिंग वाला आ रहा है, अप एंड डाउन मेरा टेक्स्ट होने लगा,
ध्यान से समझिए, बहुत ही बेसिक नॉलेज है, हो सके आपने करना आता है लेकिन इसको थोड़ा डीप में समझिए। अभी यहाँ पर जैसे ये अप एंड डाउन हो रहा है, इसके ठीक नीचे मुझे दो ऑप्शन मिलते हैं, मुझे क्या मिलते हैं, दो ऑप्शन मिलते हैं मुझे। ये आप अपने इसको टाइमर को कम ज्यादा कर सकते हैं, अप एंड डाउन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है इसकी स्पीड ज्यादा कम करनी है और ये कितनी देर रुकने के बाद फिर उस स्पीड में चलता है, तो दो चीजों को ये कंट्रोल करता है आपकी, आपके टेस्ट का जो एनिमेट है उसका स्पीड कितना रहना है और कितना ये स्टे होकर चलेगा। तो मैंने इसको दोनों को 3 सेकंड पे होल्ड कर दिया है, यानी ये 3 सेकंड में ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर 3 सेकंड होल्ड करेगा, ये 3 सेकंड होल्ड करेगा, अब ये 3 सेकंड के अंदर ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, एंड अब ये होल्ड करेगा 3 सेकंड। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपने एक सेटिंग कर दी तो जितने भी एनिमेशन इसमें है सब में ये कवर होगा। सेकंड वाला, ये भी हैंगिंग है, इसको लेफ्ट राइट हैंगिंग हम बोलते हैं, राइट, इसको साइड बाय साइड हैंगिंग बोलते हैं हम। ये रोटेट होता है आपका क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है ये आपका। तो मैं एक ही इसमें टेक्स्ट में आपको सारी चीजें बता रहा हूं, राइट। ये अप एंड डाउन रोटेट हो रहा है, राइट, ये आपका हार्ट की तरह करता है, जैसे हमारा हार्ट दिल धड़कता है ना, जिस तरह से हमारी हार्ट बीट होती है, ये 3 सेकंड में करेगा, ये बाहर आएगा एंड देन फिर 3 सेकंड होल्ड करेगा, यू कैन सी इन द पिक्चर। तो आपके पास भी दूसरा मोबाइल होगा, आप करके देख सकते हैं, नहीं तो आप आराम से वीडियो की रिकॉर्डिंग देखना और उसके साथ साथ करते जाना, जब 2 से 3 आप करते जाएंगे देन उसके बाद में आपको बहुत अच्छे से आप इन चीजों को कर पाएंगे। 2-3 वीडियोज में, 10 वीडियोज में, हो सकता है आपको मैक्स टू मैक्स 15 से 20 वीडियो में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, देन फिर आप इसको एकदम से विद इन 10 मिनट्स में अपने किसी भी वीडियो को एडिट कर पाएंगे। हाँ, शुरुआत में आपको हो सकता है 30 मिनट लगे, किसी को 1 घंटा भी लग सकता है, इवन मैं तो ये कहता हूँ किसी को हो सकता है 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है, डजेंट मैटर, बट वही टाइम रेड्यूस होकर धीरे धीरे 10 मिनट्स आ जाएगा, और फिर आपके अकॉर्डिंग है कि आप उसमें क्या क्या चीजें करते हैं, राइट। दैट इज ऑल्सो ए हैंगिंग, राइट। तो ये चीजें होती है, जैसे मान लीजिए मैं इसको यहां पर पैसिव इनकम को दिखाना चाहूंगा, राइट, तो इसको मैं राइट क्लिक कर देता हूं, ओके। आप इसमें अपना फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जहां पर कैपिटल ए शॉर्ट ए था, पिछली बार मैंने कवर नहीं किया था इसलिए मैंने बोला था आज हम थोड़ा सा डीप लेवल टच करेंगे, आप अपने टेस्ट का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर। सो ऐसा नहीं कि मैं आपको टेक्स्ट बता रहा हूं, पिछले वाला रिकैप होगा लेकिन उसमें मैं कुछ एड ऑन करते जाऊंगा हर एक पार्ट में, सो फोकस ऑन योर स्क्रीन, ओके। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, राइट। इसमें हम ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहेंगे, ये और भी बहुत ज्यादा डीप आ जाता है, जैसे टेक्स्ट का इसका फॉन्ट आपको बढ़ाना है, यू कैन सी ऑन द पिक्चर, है ना, राइट। तो हम यहां से इसका फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, आप देख सकते हैं जो डबल ए है उसके राइट में 3 लाइंस हैं, उन लाइंस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, तो सिर्फ पहला ऑप्शन की आपको जरूरत पड़ेगी, ऑलमोस्ट मैं इसको 20 पर रखता हूं, यहीं से मैं कर सकता हूं, इवन मैं इसका फॉन्ट अपने फिंगर और टिप की मदद से भी, हेल्प से भी छोटा बड़ा कर सकता हूं। अभी मैं अपने फिंगर और थंब की मदद से इसको छोटा और बड़ा कर रहा हूं, और नीचे देखो आप वहीं पर उसका जो फॉन्ट का जितना भी मैं लेना चाहूं, 30, 20, 50 वट एवर, जनरली मैं इसको अगर मैं बात करूं तो हम इसको 30 या 40 के बीच में रख सकते हैं, वो अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आपने फॉन्ट क्या चूज किया है ना, यहाँ पर अलग अलग फॉन्ट दिए गए हैं। अभी देखिए ये सेम फॉन्ट है ना, ये वाला सेम फॉन्ट, या फिर रोबोटो मीडियम वाला फॉन्ट, ये 36 पर इससे बाहर जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ऊपर जा रहा है इससे, अभी मैं इसको फिंगर और टिप की मदद से छोटा कर देता हूं ताकि मेरी स्क्रीन पर रहे। अब ये 26 वाले जो भी इसका फॉन्ट साइज है, 26 पर ये मेरी स्क्रीन पर फिट आ रहा है। अब मैं इस पर डबल ए पर जाता हूं जो कैपिटल और शॉर्ट ए है, अगर इसमें मैं फॉन्ट का
दूसरा वाला फॉन्ट लेता हूं। अब ये देखिए छोटा हो गया, तो मैं अपने फिंगर और टिप की मदद से अब इसको थोड़ा बड़ा कर अपनी स्क्रीन पर फिट कर लेता हूं। अब ये 40 के फॉन्ट साइज पे फिट हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि मेरा फॉन्ट साइज क्या है और मैंने फॉन्ट का कौन सा पैटर्न लिया है। अंडरस्टूड? आर यू विद मी? गॉट इट? टाइप इन द चैट बॉक्स, जी आई गॉट इट। प्लीज गिव मी इन द चैट बॉक्स, जी आई गॉट इट। सो ये मुझे अच्छा लगता है। जनरली मैं रोबोटो मीडियम यूज करता हूं और इसको मैं अपनी फिंगर की मदद से यहां पर इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। राइट right? मन में इसको छोटा छोटा ही रखूंगा क्योंकि इसमें फिर मेरा पूरा का पूरा चेहरा ढक जा रहा है। मैं यहां पर इसको, अब ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर, ध्यान से समझिए, मैं इस पैसिव इनकम के टेस्ट को कितनी दूर तक दिखाना चाहता हूं। अब नीचे देखिए वीडियोज के अंदर ध्यान दीजिए, यहां पर जहां पर पैसिव इनकम लिखा है मेरी वीडियोज के ऊपर ग्रीन बैकग्राउंड में सफेद व्हाइट टेक्स्ट से उसके लेफ्ट राइट में आपको ब्लैक कलर के दो आपको साइन दिखा दे रहे हैं, राइट, एरो की तरह। तो जो राइट का एरो है, जैसे मैं राइट का एरो पे क्लिक करूंगा, यहां पर मुझे दो ऑप्शन मिलते हैं, वीडियो एंड क्लिप एंड। क्लिप एंड क्या होता है? हो सकता है मैंने इसको कहीं से बीच में से क्लिप किया हो। क्लिप मीन्स मैंने इसको कहीं से बीच में ब्रेक किया हो इस वीडियो को। अभी मैंने इसमें कोई भी किसी तरह का क्लिप नहीं बनाया है। क्लिप कैसे बनाते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा बाद में। अगर मैं इसको चाहता हूं वीडियो एंड तक ये मुझे टेक्स्ट दिखाई दे, तो मैं सीधा वीडियो एंड पे क्लिक कर दूंगा। अब ये पूरा टेक्स्ट मुझे पूरे वीडियो पे दिखाई देगा लास्ट तक, जब तक ये चलेगा। अब मैं अपनी फिंगर की मदद से वीडियोज को आगे बढ़ा रहा हूं, है ना, देखो ये पैसिव इनकम लास्ट तक आ रहा है। और चूंकि ये थोड़ा मैंने इसके अंदर एनिमेशन डाला है, तो ये बार बार हट की तरह यहां पर एनिमेट भी कर रहा है। यू कैन सी इन द पिक्चर। आपके पास मनी नहीं आ पा रहा है, इट मींस दोस्तों आप कोई ना कोई गलती जरूर कर रहे हैं, बताना चाहूंगा दोस्तों। यस, सो ये हुआ। तो इसको मैं अगर अंडो करना चाहूं तो मैं यहां पर अंडो भी इसको कर सकता हूं। अंडो कहां है? स्टिकर के ठीक ऊपर एक व्हाइट कलर का आपको एरो दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, बिल्कुल लेफ्ट में। जैसे मैं इसको किया, ये अंडू हो गया। अंडू मींस मैंने इस टेक्स्ट को पूरी स्क्रीन पर लगाया था, यू कैन सी इन द पिक्चर, ये फिर से वहीं पर आ गया। अब मैं चाहता हूं इस टेक्स्ट को वीडियोज के पर्टिकुलर पहले 5 सेकंड दिखाना चाहता हूं, तो मुझे आइडिया हो जाना चाहिए कि मेरा 5 सेकंड में वीडियो कहां जाता है। पैसिव इनकम सभी लोग चाहते हैं कि उनकी पैसिव इनकम हो, उनकी रेकरिंग इनकम। ये 5 सेकंड तक मेरा वीडियो गया। ये नीचे जो टाइमर दिखाई दे रहा है, एक बार मैं थोड़ा सा आपको कर्सर से दिखाता हूं, आपके उसमें दिख जाएगा जहां पर ये व्हाइट लाइन डिस्प्ले हो रही है, इसके ठीक नीचे यहां पर ये सेकंड चल रहे होते हैं, सेकंड और माइक्रो सेकंड यहां पर हमको शो होते हैं। तो ये हमें बहुत काम आएगा। तो धीरे धीरे जब आप वीडियो एडिट करना शुरू कर देंगे तो आपको एक आइडिया हो जाया करेगा, तो आप इसको वैसे भी कर पाएंगे। तो जनरली यहां पर ये नीचे जो मेरा एरो देख पा रहे हैं आप, ये बिल्कुल यहां पर सबसे इस व्हाइट वाली लाइन के ठीक नीचे आपको टाइमर दिखाई देगा आपके वीडियोज का। गॉट इट? अब मैं इसको यहीं तक लेकर आना चाहता हूं, ध्यान से समझिए। तो जैसे मैंने पैसिव इनकम पर क्लिक किया, इसमें एरो आ गया ब्लैक कलर का। अब मैं इस पर अपनी फिंगर रखूंगा और ड्रैग कर दूंगा लाइन तक, तो ये सिर्फ वहीं तक जाएगा। मैंने इस पर अपनी फिंगर रखा और उसको धीरे से मैंने ड्रैग कर दिया और यहां पर व्हाइट लाइन पर टच होते ही छोड़ दिया। बस यहीं तक ही अभी ये मेरा पैसिव इनकम दिखाई देगा। अब शुरू करते हैं फिर से वीडियो। पैसिव इनकम सभी लोग चाहते हैं कि उनकी पैसिव इनकम हो, उनकी रेकरिंग इनकम हो। दोस्तों अगर मैं आप सभी को ये कहूं, यस अभी वो चला गया। ओके गॉट इट। यस डॉक्टर पीके सिंह आपका क्वेश्चन लेंगे। और यस अभी इसमें हम एक बार मैं थोड़ा सा बैक करता हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था। अभी हम इस वाले पार्ट में जो म्यूजिक वाले पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। पिछली बार हमने म्यूजिक को कवर किया था, आज हम इसमें म्यूजिक इफेक्ट्स और रिकॉर्ड तीनों चीज को कवर करेंगे। सबसे पहले म्यूजिक को ले लेते हैं कि रिकैप भी हो जाएगा आप सभी का। म्यूजिक में जाने के बाद में आपको बाय डिफॉल्ट यहां पर म्यूजिक मिल जाता है। अभी आपने कुछ लोगों ने कहा था कि हमें
वीडियोज हमारा बड़ा है और म्यूजिक कम समय का होता है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए उसमें अभी हम सीखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूजिक मिल जाते हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, राइट स्क्रॉल करके, अप एंड डाउन स्क्रॉल करके कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। जनरली मैं फेस्टिवल में अपना एशियन पर क्लिक करके यहाँ पर मुझे 8-9 क्लिप मिल जाती है म्यूजिक की, छोटी बड़ी क्लिप मिल जाती है। मैं जिस क्लिप पर क्लिक करूंगा उसका मुझे यहाँ पर म्यूजिक सुनाई देगा, अगर मैं इसको यूज करूंगा तो ये मेरे वीडियोज पर चला जाएगा। अभी जो मेरा पर्पज है 1 मिनट 56 सेकंड का हम म्यूजिक लेते हैं और मैं इसको यूज कर लेता हूं और ये मेरे वीडियोज पर म्यूजिक आ गया। अभी मेरा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो मुझे कम रखना है ताकि जो मेरा वीडियो का वॉइस है वो ज्यादा आए। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया एडिट पर, एडिट पर क्लिक करने के बाद में यहां पर मुझे ऑप्शन मिल जा रहा है। जनरली मैं इसको 5 to 10 के बीच में ही रहता है हमारा ये, बस आपको उनको टच फ्लेवर देना है, जो आपका ऑडियंस है उनको म्यूजिक बैकग्राउंड का नहीं सुनाना है, आप वीडियोज में क्या बोल रहे हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर राइट का क्लिक कर देता हूं। अभी आप देखिए मेरा वीडियो जो है, वीडियो तो मेरा बड़ा है लेकिन मेरा म्यूजिक पूरा नहीं आया है, मेरा म्यूजिक बीच में खत्म हो गया है, यहां पर मेरा म्यूजिक खत्म हो गया है, अब क्या करें। ये एक बहुत अच्छी चीज यहां पर आपको सीखने को मिलेगी, थोड़ा फोकस कीजिए। म्यूजिक मेरे पूरे वीडियो पर नहीं लगा है बैकग्राउंड म्यूजिक, है ना, नीचे देख सकते हैं, नीचे वीडियो वाला क्लिप म्यूजिक है मेरा, वीडियो है, और ऊपर वाला म्यूजिक का है बैकग्राउंड म्यूजिक। अभी ये आगे खाली है, अब इसमें हम क्या करें। अभी यहां पर देखिए जहां पर म्यूजिक ये हमारा एंड हो रहा है यहां पर हमको एक ब्लैक लाइन मिलती है, इसमें मैं सबसे पहले ऊपर जाएंगे या तो मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूं। देखो मैंने इसको स्क्रॉल किया ऊपर के जितने भी मुझे ये मीनू ऑप्शन मिल पा रहे हैं, म्यूजिक इफेक्ट्स, रिकॉर्ड, एडिट, स्प्लिट, है ना, वॉइस इफेक्ट, जैसे मैं इसको करूंगा राइट में सबसे पहले मुझे डुप्लीकेट ऑप्शन मिलता है बिल्कुल राइट में जाने के बाद में। जैसे मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा ये सेम म्यूजिक डुप्लीकेट हो जाएगा मेरे पूरे वीडियो के आगे। यस, ये डुप्लीकेट हो गया मेरा। डुप्लीकेट मींस जो शुरुआत में वीडियो था, सॉरी म्यूजिक था, वही फिर से रिपीट हो गया। 1 मिनट 53 सेकंड का मेरा म्यूजिक था वो फिर से रिपीट हो गया। अब ऑडियंस को इतना तो नहीं पता है कि वो कैसे रिपीट होता है ना, उसको तो फोकस आपके वीडियोज को सुनने में रहेगा, लेकिन उसको बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूजिक आता रहेगा, वो आपके साथ में कनेक्ट रहेगा। अब इसमें यहां पर एक चीज और सीखने को आपको मिलती है, बहुत अच्छी चीज। जैसे भी मैं इसको राइट में स्क्रॉल कर रहा हूं, अब मेरा वीडियो तो खत्म हो गया लेकिन मेरा म्यूजिक का जो टाइमिंग था वो बड़ा हो गया। जैसे मेरा वीडियो कितने मिनट का है, जनरली ये 8 मिनट, राइट, मेरा वीडियो छोटा है लेकिन म्यूजिक बड़ा होगा, 1 मिनट 53 सेकंड प्लस 1 मिनट 53 सेकंड, जनरली ये 4 मिनट का म्यूजिक हो गया। अब ध्यान से समझिए, अब मैं इस म्यूजिक वाले पार्ट पर अपनी फिंगर की मदद से क्लिक करता हूं, क्लिक करते आपको ये व्हाइट लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी पूरे म्यूजिक के ऊपर। अब आपको ऑप्शन मिलता है ऊपर स्प्लिट का ऑप्शन, क्या मिलता है ऊपर स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है एडिट के राइट में, वॉल्यूम के लेफ्ट में। जैसे मैंने स्प्लिट पर क्लिक किया, स्प्लिट पर क्लिक करते ही जो मेरे वीडियोज के आगे का म्यूजिक था सिर्फ वही सिलेक्ट हुआ है, और अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूं, डिलीट, दैट्स इट। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अंडू करता हूं मैं इसको। अभी जो मैंने डुप्लीकेट म्यूजिक को किया था उसके करने के बाद में मेरे वीडियोज से म्यूजिक का पार्ट आगे चला गया, अच्छा नहीं लगता ये, है ना, नहीं तो वो फिर वीडियो चलता रहेगा बैकग्राउंड म्यूजिक में, हालांकि वो खत्म हो जाता है, चलता नहीं है, लेकिन वो सेव करने में हमारा ज्यादा मेमोरी जाता है और हमें उसकी नीड भी नहीं है कोई, वी हैव नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा म्यूजिक टाइमिंग। तो अभी मैं क्या करूंगा, जो म्यूजिक वाला पार्ट है बैकग्राउंड म्यूजिक वाले को अपनी फिंगर की मदद से सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं इसको फिंगर की मदद से टिप करता हूं ये सिलेक्ट हो गया, ये पूरा सेलेक्ट हो गया, मैंने अंडू कर दिया उसको एक बार,
है ना, पूरा सिलेक्ट हो गया। पूरा सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, स्प्लिट करूंगा इसको, स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब इसको मैं कट कर रहा हूं यहां से। स्प्लिट करने के बाद में जो आगे का म्यूजिक है वो सिलेक्ट हो गया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। दैट्स इट, गोट इट ईच एंड एवरीवन? टाइप इन द चैट बॉक्स जी आई, गोट इट एंड सेलेक्ट राइट। यस दोस्तों, आपको फॉलो करने वे लोग भी जो इस इंडस्ट्री में पिछले कुछ ही सालों में स्ट्रगल करके आगे आए हैं, और डेफिनेट दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ में बहुत ही इंपैक्टफुल लर्निंग आप सभी के लिए लेकर। यस, यहाँ पर ये हमारा बैकग्राउंड का वीडियो हो जाता है। अभी यहाँ पर हमें एक चीज और सीखने को है, मैं फिर से जाऊंगा म्यूजिक के ऊपर, मुझे इसी म्यूजिक में कुछ एडिटिंग करनी है। म्यूजिक पर मैं क्लिक करूंगा, फिर से वो ऑप्शन सारे के सारे ओपन हो जाते हैं, राइट। अब मुझे कोई चीज रिकॉर्ड करनी है इसमें, अब इसमें मैं वॉइस ओवर कर सकता हूं। मेरे इस पूरे वीडियो पर वॉइस ओवर हो रहा है, यू कैन सी इन द पिक्चर, जो मैं बोल रहा हूं ये वॉइस ओवर मेरे वीडियोज के ऊपर हो रहा है। दैट्स इट, अभी देखते हैं वॉइस ओवर क्या हुआ है, फिर से रिपीट करूंगा, जस्ट देखिए एक बार। अब यहां पर बहुत अच्छी चीज आपको सीखने को मिलेगी, आपने वीडियो में क्या बोला है लेकिन आप बोल कुछ और रहे हैं, लोगों को सुनना कुछ और चाहिए, वो होता है एक, मैं कहूंगा कि अटेंशन ग्रैब करने का तरीका होता है। अब मुझे करना क्या, जो मैंने रिकॉर्ड किया सबसे ऊपर आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये मेरा रिकॉर्डिंग था जो मैंने अभी जो मैंने आपके साथ बोला, मैं सिर्फ इसको सुनाना चाहता हूं, मेरे वीडियोज का जो मेरा वॉल्यूम है वो ना आए। अब मैं अपने वीडियो वाले पार्ट को सेलेक्ट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर रहा हूं सभी के साथ में, फोकस ऑन योर स्क्रीन। जो मेरा वीडियो है मैं उसको अपनी फिंगर की मदद से सेलेक्ट करता हूं सबसे नीचे वाले को। जैसे मैंने उसको सेलेक्ट किया, यहां पर मुझे उसके वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाते हैं मेरे वीडियो का, और इसका वॉल्यूम मैं घटाकर जीरो कर देता हूं। क्या कर देता हूं, मैं इसका वॉल्यूम घटाकर जीरो कर देता हूं, राइट। अब सुनते हैं इसको एक बार, राइट। तो इस तरह पर भी अपने वीडियो के ऊपर आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डीप का हो गया, मैंने जस्ट आपको बताया, इसमें हमें करने की जरूरत नहीं होती है। जनरली हमारा काम यूज होता है जब हम 30 सेकंड का कोई रील बनाते हैं, या फिर 20 से 30 सेकंड का छोटा वीडियो होता है ना, उसमें हमारा वीडियो कुछ और बना है, उसमें हमारी गलती हो गई, हमने उसका म्यूट कर दिया और ऊपर से वॉइस ओवर कर दिया उसको। बड़े वीडियो में ये नहीं चलती चीजें, ये बहुत ही कम हो रहती है चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है इसमें, इस वॉइस ओवर को मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इस वीडियोज के वॉइस ओवर को कितना छोटा या बड़ा कर सकता हूं। अभी देखिए आप, ओके तो ये वॉइस ओवर मैं वीडियो के किसी पर्टिकुलर पार्ट पर कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, यहां पर मैंने किया इसको, मैंने कंटिन्यू किया, यहां पर मैं यहां पर लेकर आ गया। अब मैं चाहता हूं मेरे इस वीडियो के इस पार्ट के ऊपर वॉइस ओवर हो सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड के लिए, थ्री टू वन गो। यस, अभी जो मैं बोल रहा हूं ये मेरा वॉइस ओवर मेरे इस वीडियो के पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर पार्ट के पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हो रहा है। दैट्स ग्रेट, ऑसम। अब सुनते हैं, ये मैंने दो वॉइस ओवर अलग अलग लगाए हैं, ओके। अब चंद्रकला मैनकर मैम ने पूछा है वॉइस ओवर कैसे लाए, आई थिंक आपका फोकस नहीं था, नहीं तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। आपका भी क्वेश्चन लेंगे, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन म्यूजिक
म्यूजिक के साथ में इफेक्ट्स, और इफेक्ट्स के राइट में रिकॉर्ड का बटन है। जैसे मैं रिकॉर्ड को दबाता हूं, यहां पर मेरा रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, और इसको मैंने क्लिक कर दिया तो मैं इसको क्रॉस करके कैंसिल भी कर सकता हूं। अभी मैं इसको अंडू कर रहा हूं, रिकॉर्ड पे मैंने क्लिक किया, 3 2 1 गो। जैसे मैंने इसको क्लिक किया यहां पर ये बंद हो गया, राइट का टिक किया, ये वॉइस ओवर मुझे यहां पर मिल गया। तो मेरे 3 वॉइस ओवर हो गए, तो इसको मैं अलग अलग पार्ट में भी वॉइस ओवर कर सकता हूं। गॉट इट पीपल, हैप्पी? कितने लोगों को ऑसम लग रहा है ये एडिटिंग, कि जब हम इसको प्रैक्टिकल वे में इंप्लीमेंट करेंगे तो मजा आ जाएगा। टाइप इन द चैट बॉक्स ऑसम, सिर्फ एक ही वॉइस ओवर रखते हैं हम और इसी से हम कंटिन्यू करेंगे, राइट? वॉइस ओवर हमें ज्यादा नहीं करना है, आप मत कीजिए चंद्र कला मैनकर मैम, वॉइस ओवर की कोई ज्यादा नीड नहीं होती है। बताया था मैंने 20 से 30 सेकंड का कोई वीडियो होता है उस पर हम वॉइस ओवर कर सकते हैं, ओके? अब इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने कितने लोगों ने देखा कि जब टेक्स्ट आता है किसी का, एकदम से वहां पर कोई वॉइस आती है, बूम टिंग टिंग, है ना, कोई भी एकदम से बैकग्राउंड में आपको एक म्यूजिक सुनाई देता है तुरंत से, तो अभी कहां से आता है? वो आता है इफेक्ट से। म्यूजिक के राइट में इफेक्ट है, ध्यान से समझिए, म्यूजिक के राइट में क्या है? इफेक्ट्स। म्यूजिक के राइट में इफेक्ट्स है। जैसे ही आप म्यूजिक के राइट में इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे, आपको यहां पर एटलीस्ट 25 ट्रांजिशन मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? 25 ट्रांजिशन मिल जाएंगे, जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलते हैं। वन बाय वन हम देखते हैं, पॉपुलर में आपको बहुत सारे इसके अंदर भी कम से कम भी 15 से 20 मिल जाएंगे। बीप की आवाज आती है, बीप, जैसे थंडर करता है बारिश के अंदर, बादल की कड़कड़ाहट, बिजली की कड़कड़ाहट होती है। बोतल कॉर्क, मैजिक वन, बबल, तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर से रिपीट करता हूं एक बार, इफेक्ट्स के ऊपर गए, आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा, जब आप किसी का वीडियो देखते हैं तो एकदम से टेक्स्ट आता है, बैकग्राउंड में एकदम से कोई वॉइस आता है, या कुछ बोलता है वो पर्सन, एकदम से बूम धम टर्न टिंग, है ना, कुछ अलग अलग आवाजें आती हैं बैकग्राउंड में बीच बीच में, वो कहां से आती है? वो हमारे इफेक्ट से आती है। जैसे मैंने वहां पर अपना टेक्स्ट लगाया, मैं चाहता हूं जब मेरा कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट आए और उस पर एकदम से कोई इफेक्ट्स आए, तो यहां पर जैसे मैं इफेक्ट्स पर कलर करूंगा, यहां पर सेलेक्ट करते हैं, 25 ट्रांजिशन मुझे मिल जाते हैं, राइट? 25 इफेक्ट्स के मुझे यहां पर मिल जाते हैं, एक के अंदर भी मल्टीपल आपको ट्रांजिशन मिलेंगे। जैसे बेल, क्रिसमस बेल्स, जनरल बेल, है ना, आपने सुना होगा जब भी कई बार घड़ी की बात आती है तो इस तरह का आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाता है शॉर्ट में। डोरबेल फोन का, वार्निंग के भी बहुत सारे मिलते हैं एकदम से, है ना, जैसे मैं वार्निंग को यूज करता हूं, यूज। अब इसका, इसको मैं पर्टिकुलर कहीं पर भी मैं इसको मूव कर सकता हूं, इसको मुझे पूरे वीडियो के एंड में रखना है नहीं, इसको मुझे सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट पे इसका यूज करना है, ओके? मैं पहले इसका म्यूजिक बढ़ा देता हूं अपने वीडियो का, ओके? आपको क्या बैकग्राउंड में सुनाई दिया? वार्निंग का म्यूजिक आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 सेकंड के लिए। इससे क्या होता है कि सामने वाले पर्सन की अटेंशन ग्रैब हो जाती है। आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग, अपने एडिटिंग के अकॉर्डिंग ही इन चीजों को कीजिएगा। फिर से मैं आपको सुनाता हूं, मैं इसको अपने अकॉर्डिंग छोटा और बड़ा भी कर सकता हूं। इसका कुछ टाइमिंग होता है, ऑलमोस्ट वो बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है,
अगर आपको इसको दो बार लगाना हो तो आप इस पर क्लिक करके एडिट पर जा सकते हैं। एडिट पर आपको वही डुप्लीकेट मिल जाता है, आप उसको दो बार तीन बार कितनी भी बार डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये देखिए ये डुप्लीकेट हो रहा है आपका। अभी मेरा वॉइस इफेक्ट का वॉल्यूम को मैं जीरो कर देता हूं। लेकिन आपको इस इफेक्ट्स को पर्टिकुलर पॉइंट पर ही यूज करना है। मेरा सजेशन रहेगा, अगर आपका कोई टेक्स्ट आ रहा है, आपका कोई हुक आ रहा है, आप कोई पॉइंट दे रहे हैं, जैसे मैं जनरली एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पर निधि गर्ग मैम का। निधि गर्ग मैम अपने वीडियोज में क्या करते हैं, वे शॉर्ट बनाते हैं। आज मैं आपको ऐसे चार टिप देने वाले हूं कि पत्नी अपने पति की सारी बातें माने, है ना। वन, जब उन्होंने वन बोला एकदम से कोई इफेक्ट आए बैकग्राउंड में, कोई म्यूजिक आए, तो पर्सन का क्या होगा, अटेंशन ग्रैब होगी। नंबर दो पॉइंट, जैसे उन्होंने बोला पीछे से बैकग्राउंड में कोई इफेक्ट आए। नंबर तीन, एकदम से पीछे से कोई अलग इफेक्ट आए। नंबर चार, अलग से कोई इफेक्ट आए। अंडरस्टूड एवरीवन? गॉट इट? गुड। सो मैं ये अपना वॉइस ओवर को डिलीट कर देता हूं और इसको भी मैं थोड़ा सा, जो मैंने म्यूजिक लिया इसको भी हम सिर्फ इफेक्ट्स को रखते हैं, और इसको भी मैं यहां पर डिलीट कर देता हूं। राइट, तो ये मेरा बिल्कुल अभी पैसे, सभी लोग चाहते हैं कि उनकी पैसिव इनकम हो, उनकी रेकरिंग इनकम हो। दोस्तों अगर मैं आप सभी को ये कहूं कि चाहते तो सभी हैं, लेकिन कितने लोग पूरा कर पाते हैं? जैसे यहां पर मैं एक पर्टिकुलर उनको इफेक्ट देना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसमें फिर से म्यूजिक पर जाऊंगा, इफेक्ट पर जाऊंगा, और यहां पर मैं फिर कोई भी ले सकता हूं। जैसे जनरली अगर मुझे एकदम से उनको सभी चाहते हैं, तो जनरली एक जब किसी की चाहत पूरी होती है तो हम प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं, चीयर करते हैं। मैं चीयरिंग वाले पार्ट को यूज कर लेता हूं यहां पर, इसको मैं थोड़े छोटा सा मैं कर लेंगे। Yes, और इसका हम जो वॉल्यूम को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसके भी वॉल्यूम को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। वॉल्यूम को हम, हमारा वीडियो का वॉल्यूम हो, हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम हो, इफेक्ट का वॉल्यूम हो, किसी भी वॉल्यूम को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। कितने लोगों को यहां तक अंडरस्टूड हुआ है? यस प्रदीप जी, ये वॉल्यूम में, इफेक्ट्स में आपने कई चीजें बताई, रिकॉर्डिंग वॉइस ओवर बताया, तो ये मैंने चार चीजें आपको यहां पर बताया था। राइट, अभी बात आती है नेक्स्ट पार्ट, स्टिकर। ओके, म्यूजिक में एक चीज रह गई है, मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि बाय डिफॉल्ट म्यूजिक आप इसको कैसे ले पाएंगे। म्यूजिक पर जाएंगे, अभी जैसे यहां पर सबसे ऊपर देख सकते हैं, म्यूजिक में आपको तीन चीजें मिलती है, फीचर्ड, माय म्यूजिक और इफेक्ट्स। फीचर वाला होता है जो बाय डिफॉल्ट म्यूजिक होता है, और इफेक्ट्स वाला जो मैंने अभी कवर किया। अब इसमें बीच में माय म्यूजिक आता है। माय म्यूजिक में ये बहुत सारी मेरी रिकॉर्डिंग्स है, है ना, ऑटोमेटेड बाय डिफॉल्ट हमारी जो रिकॉर्डिंग्स हो जाती है, ये वो रिकॉर्डिंग्स है। ये आप कोई सर्च भी कर सकते हैं, जैसे सर्च आप बताइए कोई भी नाम, कौन सी रिकॉर्डिंग हम सर्च करें। Yes, ये यहां से ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है, मेरी फाइल्स के अंदर जाएगा, और वहां से जो मैंने कोई डाउनलोड किया है, डाउनलोड करने के बाद में हम उसको अपने इसमें एडिटिंग करके इसके साथ में अटैच कर पाएंगे। कृष्णा फ्लूट, यहां से भी मैं अपने किसी भी पर्टिकुलर वीडियोज को इसमें एडिट कर सकता हूं। आप लोग के ही वीडियोज है जनरली इसके अंदर, बहुत सारे आपने वीडियोज बनाए हैं, सो आप ही के वीडियोज इसमें ज्यादा दिखते हैं। राइट, तो ये वीडियोज यहां पर आपको शो हो रहे हैं, तो यहां से भी मैं कोई ना कोई बैकग्राउंड किसी भी वीडियोज का ले सकता हूं। ये गैलरी है मेरी, गैलरी में आपको मिल जाएगा सारे के सारे,
जनरली आपको ये वाला गैलरी में आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। यस, ये मिसकेलेनियस टेलीग्राम्स जो आपके एसडी कार्ड में होंगे, वट एवर कहीं पर भी होंगे, आपको ये वीडियोज मिल जाएंगे जहां से भी आप सेलेक्ट करना चाहेंगे। मैंने जैसे आपको ओवरव्यू दिया है, राइट, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो। अगर आप अपने किसी पर्टिकुलर वीडियो का ऑडियो चाहते हैं, यहां पर ध्यान से समझिए, एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो, आपके किसी पर्टिकुलर वीडियो का ऑडियो यहां पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने रिकॉर्डिंग में से लेकर आ सकते हैं, अपने जो वीडियो रिकॉर्डिंग किए हैं वहां से आप उसको ऑडियो लेकर आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या लेकर आ सकते हैं, ऑडियो, अपने वीडियो का ऑडियो। ध्यान से समझिए, दो चीजें हैं इसमें, कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको दिखा भी रहा है। ये यहां से मैं अपना जो मैंने सेव किया होगा, ये मेरे मैंने ड्राइव में ऑलरेडी सेव किया है, मेरी सारी की सारी ड्राइव है गूगल ड्राइव, यहां पर मैं उसको लेकर आ सकता हूं। क्योंकि मैंने कोई डाउनलोड नहीं किया है तो मुझे यहां पर कुछ दिख नहीं रहा है। अंडरस्टूड, मैंने आपको एक तरीका बताया, आप खुद से करके देखिएगा। सो इसको करने के बाद में मैं इसको राइट का टिक कर देता हूं, ये राइट का टिक मैंने किया। वैसे सभी लोग चाहते हैं कि देखो, जैसे पैसिव इनकम आया वहां पे एकदम से क्या हुआ, मैंने जो इफेक्ट्स लगा था तो वो एक आई कैचर हो जाता है लोग के लिए, एक ईयर कैचर बन जाता है चीजें। हालांकि मैंने उसको वॉल्यूम कम कर दिया, अगर मुझे उसका वॉल्यूम बढ़ाना है तो मैं म्यूजिक पर जाऊंगा, इस वाले पार्ट पर जाऊंगा, इफेक्ट्स वाले पार्ट पर, और यहां पर जाकर इसका वॉल्यूम सेलेक्ट करूंगा और मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा सकता हूं। अब की बार थोड़ा वॉइस बढ़ गया है, इसका वॉल्यूम बढ़ गया है, तो जब ये जनरली उसमें जाएगा अपलोड होने के बाद में, सेव होने के बाद में, तो ये अपना ओरिजिनल इफेक्ट देगा। इफेक्ट का काम क्या होता है, जनरली ये 1 से 2 सेकंड के लिए रहता है, मैक्स मैक्स 3 या 4 सेकंड के लिए रहता है। अगर मुझे इसको बार बार रिपीट करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, राइट में क्लिक करूंगा और इसको डुप्लीकेट करता जाऊंगा, एंड राइट, एंड सीधा मैजिक। सभी लोग चाहते हैं कि उनकी पैसिव इनकम हो। मैंने इसको 2 बार डुप्लीकेट किया, उतनी ही बार ये मुझे सुनाई दिया। ओके, तो ये आपका पार्ट हुआ हमारा आज का म्यूजिक का पार्ट। अब बात आता है बीच में स्टिकर। स्टिकर मींस क्या होता है, मान लीजिए आपको इसमें कोई अपनी कोई मोबाइल से पिक्चर इंसर्ट करनी है, आपकी कोई पिक्चर है, आपने कोई ट्रेनिंग ली है, उसका फोटो है कोई आप, या फिर और जनरली लगते करते हैं, जैसे मैंने पैसिव इनकम की बात करी और मैं चाहता हूं इसमें पैसे दिखाई दे, तो यहां पर हम स्टिकर में जाएंगे। स्टिकर पर जाने के बाद में, क्लिक करने के बाद में, ये ऑप्शन आपको मिलते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से, स्टिकर पर जाएंगे और स्टिकर पर क्लिक करने के बाद में आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर इमेजेस है वो आपको मिल जाएगी, राइट। जैसे मैं यहां पर प्लस पर क्लिक करूंगा, ये मेरी ओपन हो जाएंगी, क्या गैलरी ओपन हो गई है। देखो जनरली ये क्या है, फिर ये मेरे जितने भी इसमें कोई पिक्चर होगी, या फिर मैं चाहूंगा कि मेरा कैमरा ओपन हो जाए, यहां पर क्या ओपन हो जाए, ये कैमरा ओपन हो जाए। यस, क्या ओपन हो जाए, ये कैमरा ओपन हो गया है मेरा, राइट। ये मेरे कैमरे की कोई भी पिक मैं वहां पर लगा सकता हूं, चूंकि इसमें इनकम का कोई जिक्र नहीं है तो ये मेरे लिए वहां पर नहीं रहेगा। तो अगर मैं कोई अपनी फैमिली की पिक वहां पर लगाना चाहूँ, वट एवर, कोई भी पिक हम यहाँ पर अपने मोबाइल से सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ओके, राइट। तो यहाँ पर अगर कोई, आई थिंक मनी की कोई मेरी पिक्चर नहीं है तो वो इस पर हम नहीं लेंगे। सेकंड, अगर आप चाहते हैं इसी के अंदर से कोई मनी की आप पिक्चर ले, जीआईएफ पर मैं जाऊंगा और यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। सर्च के ऑप्शन पे मैं जाऊंगा एंड मैं टाइप कर दूंगा मनी, मुझे बहुत सारे मनी के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। यू कैन सी इन द पिक्चर, देखे भी होंगे आपने इस तरह के बहुत सारे, जैसे, और इसको मैं पूरा बड़ा कर देता हूं यहाँ पर। राइट, लोग चाहते हैं कि उनकी पैसिव इनकम और उनकी
राइट, ये एकदम से आई कैचर बनता जा रहा है वीडियो। राइट, तो इस तरह से हम स्टिकर पर जाकर अपना जीआईएफ में, या फिर सिर्फ स्टिकर में, सिर्फ मैं चाहता हूं उसमें मुझे पैसा हो, जीआईएफ आप अच्छे से समझते हैं, और सिर्फ यहां पर मैं फिर से मनी टाइप कर देता हूं। राइट, जैसे मनी टाइप किया, यू कैन सी इन द पिक्चर, ये हमें बहुत सारे पैसों की पिक्चर मिल जाती है। राइट, तो इसमें से हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यस, मल्टीपल भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, और ये मल्टीपल इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूं मैं आपको दिखा पाऊं कैसे हम इनको लगा पाएंगे। अब देखिए, यहां पर मैंने चार पांच, एक दो तीन चार पांच मैंने सेलेक्ट किया, तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा बीच में गैप देकर इनको मैं यूज कर सकता हूं। अब इसको कैसे मूव करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। मैंने अपनी फिंगर टिप की मदद से उसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद में इसको मैं आगे मूव करना शुरू कर दिया, और मैंने इसको यहां ले जाकर छोड़ दिया आगे। अभी मैंने सेकंड को लिया यहां पर, इसको मैंने थोड़ा सा फिंगर की मदद से आगे मूव कर दिया। राइट, मैं चाहता हूं बीच बीच में ये चीजें आती रही। ओके, ये थोड़ा आगे चला गया, मैं इसको पीछे लेकर आता हूं। इसको क्या किया मैंने, फिंगर की मदद से सेलेक्ट किया, और इसको सीधा मैंने ड्रैग करना शुरू कर दिया, बस ड्रैग, ओनली ड्रैग। अभी आप देखिए, अभी मुझे सिर्फ इसकी जगह बदलनी है, ये सिर्फ मेरे बिल्कुल चेहरे के ऊपर जा रहा है। इसको मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, और अपने फिंगर की मदद से इसको थोड़ा सा मैंने राइट कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट वाले को सेलेक्ट किया मैंने, इसको यहां पर सेलेक्ट किया, इसको मैं राइट में लेके आ गया। ओके, इसको मैंने सेलेक्ट किया यहां पर, और इसको मैंने राइट में थोड़ा सा क्लिक कर दिया, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, और मैंने इस पे यहां पे किया। राइट, कैसा लगा दोस्तों यहां तक का वीडियो एडिटिंग, जो अभी स्पेशली हमने जीआईएफ और स्टिकर को यूज किया है। टाइप इन द चैट बॉक्स वन वर्ड, पूरा वीडियोज का एकदम से सारी चीजें बदल गई। राइट, तो क्या ये एकदम से हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते जब आप इसको लगातार करते चले जाएंगे, तो ये धीरे धीरे आपका सारी चीजें होना शुरू हो जाएगा। ये एक बीच में रह गया था जो मेरे इसके चेहरे के ऊपर आ रहा था, सो दैट ये आपको, कौन सा वाला था, आई थिंक ये थर्ड वाले को मैंने मूव नहीं किया था, ये वाला। इसको भी हम अपनी फिंगर की मदद से राइट या लेफ्ट मूव कर सकते हैं, अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब ये इफेक्ट यहां पर आ रहा है स्टिकर, इसके बैकग्राउंड में हम इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं, जो इफेक्ट हमने सीखा है। राइट, तो अगर यहां तक आपको क्लियर हुआ है, टाइप इन द चैट बॉक्स एसपी, सेम पेज। इसको मैं ड्राफ्ट में रखता हूं, ड्राफ्ट में रखने के बाद क्या होगा, इसको मैं जहां से चाहूंगा वहीं से एडिट कर पाऊंगा। क्लियर सर, सेम पेज, सेम पेज। ओके, योगाचार्य राजीव कुमार जी, डॉक्टर पीके सिंह, निधि गर्ग मैम, विनय कुमार जी, अमन शर्मा जी, अनिल सालवी जी, एमएसएमई, दीपक जादव जी, वाओ, ऑसम पीपल, दैट्स ग्रेट। सो जब आप सेम पेज पर है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि एटलीस्ट आप मेरे साथ ये चीजें कर पा रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट में जो एक थोड़ा सा ऑप्शन हमारा स्प्लिट का रह गया था, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, एक बार हम उसको लेंगे, देन फिर दो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक हमारा एक्सेस के बारे में थोड़ा उसके अंदर टेक्निकल इश्यू आया था, सो उसके बारे में वाला हूं। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन। तो प्रैक्टिकल एक्टिविटी में हम आगे चलते हैं।
राइट इनशॉर्ट पर जाते हैं। इनशॉर्ट पर जाने के बाद में जो वीडियो यहाँ पर मुझे ड्राफ्ट में मिल जाएगा वीडियो, यस ये वाला सेकंड वाला जो मैंने ड्राफ्ट में किया था, इसको मैंने सेव नहीं किया था बट मैंने इसको ड्राफ्ट में रख दिया था, राइट। तो ड्राफ्ट में अभी जैसे म्यूजिक पर मैं जाता हूँ, एक क्यूरी सोल्व हो जाएगी। दोनों डॉक्टर रोहित थापर की भी क्यूरी थी कि उस म्यूजिक को पूरे वीडियोज पर हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए आपके पास में ऑप्शन होना चाहिए, जैसे आप अपने फिंगर टिप की मदद से उस म्यूजिक पर आप क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको एक राइट में ब्लैक सिंगल लाइन आपको दिखाई देती है, एरो भी हो सकता है, सिंगल लाइन भी आपको हो सकती है। जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा, इस पे लिखा हुआ है वीडियो एंड, अगर मैं इसको वीडियो एंड पे क्लिक कर दूंगा तो ये पूरे वीडियोज के ऊपर कोई भी इफेक्ट्स, कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक पूरे वीडियोज पर वो प्ले होगा। जैसे मैंने वीडियो एंड किया, राइट, चूंकि ये इफेक्ट है, इफेक्ट का एक अपना पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है, तो उसको अगर आपको पूरे वीडियोज पर करना है तो सिर्फ आप डुप्लीकेट या कॉपी पेस्ट के माध्यम से ही कर सकते हैं। लेकिन अगर इस पर मैं कोई अलग से म्यूजिक कोई भी ले लेते हैं, फ्रीडम का ले लेते हैं कोई भी म्यूजिक, ये मैंने यूज कर लिया, यू कैन सी इन द पिक्चर, ये मेरे पूरे वीडियोज पे आ रहा है, राइट, ये ऑलरेडी पूरे वीडियो पे आ रहा है। तो इसको मैं छोटा कर लेता हूं, अपने फिंगर की मदद से मैंने इसको छोटा कर लिया, यहां तक आ रहा है। मान लीजिए ये सिर्फ इतना ही वीडियो आया है, इसको मैं पूरे अपने जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ये मैं पूरे वीडियोज पर चाहता हूं, तो इसके मैं इस ब्लैक वाले एरो पर क्लिक करूंगा और जैसे मैं क्लिक करूंगा मुझे वीडियो एंड का ऑप्शन मिल जाता है, वीडियो एंड, एंड यू कैन सी वीडियो एंड पर मेरा ये पूरा का पूरा म्यूजिक चला गया। ये उसी म्यूजिक पर काम करेगा अगर उसका ड्यूरेशन हमारे वीडियोज के ड्यूरेशन से बड़ा है। आई रिपीट अगेन, यह उस पर ही काम करेगा अगर उस बैकग्राउंड म्यूजिक का ड्यूरेशन मेरे वीडियो ड्यूरेशन से बड़ा है। अगर छोटा है तो वो नहीं करेगा, उसमें फिर आपको डुप्लीकेट करना होगा और डुप्लीकेट करने के बाद में जो बाकी का पार्ट है स्प्लिट करके आपको डिलीट करना होगा जो ऑलरेडी मैंने पार्ट पर कवर किया था। ओके डॉक्टर रोहित थापर जी, अब बात आती है इसमें इफेक्ट्स की, जो सर्च कर रहे थे डॉक्टर पुरुषोत्तम मुल्तानी मैम ने कहा था वो गैलरी में जाके सर्च नहीं कर पा रहे हैं। यस, यहां पर जाकर हम सर्च कर सकते हैं। ये मैंने स्टिकर पर क्लिक किया, स्टिकर पर क्लिक करने के बाद में यहां पर मुझे 4-5 ऑप्शन मिलते हैं। GIF का ऑप्शन मिलता है, स्टिकर का ऑप्शन मिलता है, जो बाय डिफॉल्ट इनशॉर्ट में हमें मिलते हैं, ये हमें बाय डिफॉल्ट मिलते हैं इनशॉर्ट में। कुछ GIF होती है, यहां पर भी मैं सर्च कर सकता हूं अलग अलग GIF, जो मैंने मनी का सर्च भी करके आपको दिखा था। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अपने फोन की मेमोरी से, वो SD कार्ड में भी सेव हो सकता है, वो हो सकता है आपके मोबाइल के डाटा में सेव हो सकता है। यहां से हम प्लस का जो आपका साइन है उस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे वो हमको शो हो जाएगा, यहां पर इसके अंदर शो हो जाएगा वो। यू कैन सी ये मेरा मोबाइल का गैलरी ओपन हो गया है। ओके सर, बैकग्राउंड वाले टूल्स का नेम लिख दे। ओके एक बार मैं इसको, ऑलरेडी मैंने इसको कवर किया हुआ है रिकॉर्डिंग, इसलिए मैंने ऑन नहीं किया था, क्योंकि डॉक्टर पुष्पा मैम का एक क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको कवर किया। तो स्टिकर में जाके, स्टिकर में जाने के बाद में यहां पर मेरे पास में 4-5 ऑप्शन मुझे मिल जाते हैं। जैसे GIF में बाय डिफॉल्ट मुझे GIF मिल जाते हैं कुछ, यहां पर ये ऑलरेडी यहां पर मिल जाते हैं। मैं यहां पर सर्च भी कर सकता हूं, जो मैंने मनी का आपको ऑलरेडी करके दिखा था। स्टिकर भी हमें बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं, यहाँ पर ये स्टिकर मिल जाते हैं बाय डिफॉल्ट 15 से 20 स्टिकर, और हम कोई भी स्टिकर सर्च कर सकते हैं जो भी मैं चाहूं। जैसे हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड मैं कोई भी यहाँ पर स्टिकर को सर्च कर सकता हूँ, ये पूरे के पूरे हेल्थ से रिलेटेड आ गए, राइट। इसमें GIF भी मैं हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सर्च कर सकता हूँ, हेल्दी लाइफ स्टाइल, वट एवर यू कैन सी इन द पिक्चर ऑन माई स्क्रीन। लेकिन मैं सर्च करना चाहता हूं कि मेरी मोबाइल के गैलरी में कुछ सर्च मैंने वहां पर ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, हो सकता है वो टेस्ट
हो सकता है वो म्यूजिक हो, वट एवर, दोनों चीजों में सेम काम करेगा डॉक्टर पुष्पा मैम। पॉजिटिव के साइन पे मैं क्लिक करूंगा और ये मेरा गैलरी ओपन हो गया है। इसमें मेरी व्हाट्सएप इमेजेस भी है, मेरी कैमरा की इमेजेस भी है और भी अदर इमेजेस सारी की सारी। मुझे रिसेंट पे जाऊंगा मैं, सबसे नीचे रिसेंट, जैसे मैं रिसेंट पर क्लिक करूंगा मेरा कैमरा DSLR शॉट सारी की सारी यहाँ पर सब चीजें ओपन हो जाएगी। व्हाट्सएप इमेज राइट, ये सभी की सभी मैंने आपको ओपन करके भी अपने कैमरा की दिखाई थी, ये वाली मैंने आप सभी को ओपन करके यहाँ पे दिखाई थी, ये कैमरा आज के मेरे फोटोज है राइट। सो मैं कोई भी वहां से अपनी इमेज को ले सकता हूं राइट, इमेज का क्लियर हुआ है। सेम वे में मैं अपने म्यूजिक को भी यहां से ले सकता हूं, अभी मैं म्यूजिक में जाऊंगा, म्यूजिक में भी जाकर जैसे मैंने म्यूजिक पर क्लिक किया, इसको माय म्यूजिक पे कहा, सबसे फर्स्ट है फीचर्ड, सेकंड है माय म्यूजिक एंड थर्ड है इफेक्ट्स। तो मैं माय म्यूजिक पर जाऊंगा और यहां पर मैं अपना कोई भी एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो से मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, और ये नीचे मेरे ऑडियो आ गए सारे के सारे, है ना, ऑडियो ही आएगा उसमें। अगर आपको माय म्यूजिक में जाना है, ये ऑडियो जो आपके ऑलरेडी वहां पर सेव है रिकॉर्डिंग्स के रूप में, ऑडियो नॉट वीडियो, हाँ वीडियो का अगर आपको चाहिए तो ये ऑप्शन भी आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो से मिल जाता है। ऑप्शन आपको ये क्लियर हुआ होगा राइट। तो ये चीजें थी, ये करने के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बची थी, मैंने आपको क्या कहा था, दैट इज आप इसमें स्प्लिट करना चाहते हैं। स्प्लिट होता है वीडियोज के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को आपको कट करना है। जैसे मैं किसी वीडियोज में अपना वीडियो बना रहा हूं और उसमें मेरा कुछ बीच में डिस्टर्बेंस आ गया, है ना, मैं रुक गया, कुछ भूल गया, है ना, कई चीजें हो जाती हैं, तो आपको पूरे वीडियोज को बनाने की जरूरत नहीं है, एक शॉट में वीडियो को बना लीजिए, बाद में उसको एडिट कीजिए आराम से बैठ के। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कुछ अपने इस पर्टिकुलर पार्ट पर कट करना चाहता हूं, इसको यहां पर मुझे 2 से 3 सेकंड का वीडियो का पार्ट रिमूव करना है, पहले इसको सुन लेते हैं फिर इसको रिमूव करेंगे। जैसे उसका सिर्फ एक ही परिणाम है, सही दिशा में किए गए लगातार प्रयास, मुझे इसको यहां पर डिलीट करना है राइट। तो मैं इसका ड्यूरेशन देख लूंगा, इसका ड्यूरेशन क्या है वीडियो का, नीचे मेरा वीडियो का ड्यूरेशन चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं उसको कट करूंगा। अब यहां पर आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए सभी लोग, यहां पर सबसे जो ऊपर आपको ये साइन आ रहे हैं बहुत सारे, कैनवास म्यूजिक स्टिकर टेक्स्ट फिल्टर PIP प्री कट, एक आता है डिलीट से पहले स्प्लिट। जब मैं इसको स्प्लिट करता हूं एक बार तो यहां पर इसमें कट आ गया है, कट मींस इसको मैं डिलीट कर सकता हूं, लेकिन मुझे आगे के पार्ट को पूरे को डिलीट नहीं करना है। अभी कौन सा पार्ट सेलेक्ट हुआ है, आगे का फ्रंट का पार्ट सेलेक्ट हुआ है, अगर मुझे पहला वाला पार्ट डिलीट करना है तो मैं इसमें लेफ्ट पे क्लिक कर दूंगा और ये जो व्हाइट वाला सिलेक्टेड पार्ट है राइट के बजाय लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन ये पूरा पार्ट डिलीट होगा, ध्यान से समझिए। अभी मैं अपने वीडियो को प्ले करूंगा और वहां पर मैं इसको पॉज करूंगा जितना पार्ट मुझे डिलीट करना है। यस, लगातार आपके किए गए प्रयास, ठीक है। यहां पर मैं फिर से स्प्लिट करूंगा, जैसे मैं इस पे स्प्लिट करूंगा फिर से पार्ट सेलेक्ट हो जाता है हमारे राइट का, लेकिन मुझे राइट का पार्ट डिलीट नहीं करना है। मुझे कौन सा पार्ट डिलीट करना है, मुझे बीच का पार्ट डिलीट करना है। तो अभी मैं अपने फिंगर की मदद से बीच वाले पार्ट को सेलेक्ट कर लूंगा, यू कैन सी इन द पिक्चर सिर्फ बीच का 2.7 सेकंड का मेरा पार्ट सेलेक्ट हुआ है, यानी कि 2 सेकंड और 7 माइक्रो सेकंड का मेरा पार्ट सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। इससे पहला पार्ट भी मेरा सेफ है, बाद का पार्ट भी मेरा सेफ है, ये जो बीच का पार्ट है अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। ऊपर ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट के राइट में डिलीट का, जैसे मैंने इसको डिलीट किया ये पार्ट मेरा डिलीट हो गया वीडियो से। मैं थोड़ा इसको पीछे करके सुनता हूं, क्या आया, सही दिशा में लगातार किए गए प्रयास से हटकर सीधा कहां पर चला गया, सही दिशा से लगातार हार्डवर्क। जो बीच का प्रयास वाला मेरे
लाइन सेक्स ड्यूरेशन था 2 सेकंड 7 माइक्रोसेकंड का, वो डिलीट हो गया इस वीडियो से। तो पहले वाला पार्ट भी सेफ है और बाद वाला पार्ट भी मेरा सेफ है। इफ यू गोट इट दिस पर्टिकुलर एडिटिंग टाइप इन द चैट बॉक्स जी आई गोट इट, टाइप इन द चैट बॉक्स जी आई गोट इट। ये आपको स्पेशली लॉन्ग वीडियो में सबसे ज्यादा मदद करेगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट वीडियो क्या होते हैं दोस्तों, हमें याद होते हैं उसके पॉइंट्स, और मैक्स टू मैक्स वो 1.5 से 2 मिनट का हमारा शॉर्ट वीडियो होता है। लेकिन जो लॉन्ग वीडियो होता है 4 मिनट 5 मिनट 8 मिनट 10 मिनट का, उसमें पहला चैलेंज तो होता है उसको बनाने में चैलेंज आता है ना, और उसमें कोई गलती हो जाए फिर से उसको रीशूट करना पड़ जाए तो और भी ज्यादा बड़ा आपको चैलेंज आता है। तो आपको एक हैबिट को डेवलप करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यू हैव टू डेवलप वन एंड वन ओनली हैबिट टू शूट योर वीडियोज इन सिंगल शॉट। सिंगल शॉट में अपने वीडियो को शूट करने की आपको हैबिट को डेवलप करना है। उसमें गलती और ठीक बोला गलत बोला डजेंट मैटर, वो आपका एक पैटर्न बन जाएगा। जैसे मेरा कोई भी वीडियो, मैं जनरली उसको सिंगल शॉट में एडिट कर शूट करता हूं, वट एवर कोई भी हो, बाद में आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडिटिंग कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको वही हैबिट को डेवलप करना है। क्या करना है आपको? उसी हैबिट को डेवलप करना है, और जब आप इस हैबिट को डेवलप करेंगे देन सी द मैजिक। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, बैकग्राउंड ऑलरेडी हमने कवर कर दिया था, इसमें क्रॉप भी हम कर सकते हैं, वॉइस इफेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब यहां पर मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं, पीआईपी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मैं आपको थोड़ा सा टच फ्लेवर दूंगा, देन इसको डीप में फिर हम बाद में देखेंगे, इसकी ज्यादा हमें नीड भी नहीं होती है। मैं इसको बैक कर देता हूं क्योंकि मुझे बीच में से कट नहीं करना है, मेरा ऑलरेडी ये वीडियो ओके है। यस, नाउ इट इज दिस। अब मान लीजिए आपका वीडियो यहां पर जा रहा है और आप चाहते हैं इसमें आप दूसरे वीडियो को एड ऑन करना, एक वीडियो के साथ दूसरे वीडियो को एड ऑन करना, राइट? इसमें आई थिंक मेरा कोई दूसरा पर्टिकुलर वीडियो नहीं होगा, ओके मैं इसी को रीसेलेक्ट कर लेता हूं। अब देखिए दोस्तों, इसका मैं दूसरा वीडियो लेते हैं, ये नहीं लेते क्योंकि इनका बैकग्राउंड सेम है, वो आपको अंडरस्टूड नहीं होगी चीजें। अब पीआईपी क्या होता है? आप चाहते हैं वीडियो कोई और आए और ऑडियो दूसरे वीडियो का आए आपका, यानी दो वीडियो को ओवरलेप करना। पीआईपी का मतलब क्या है? दो वीडियो को ऐड करना या उसको ओवरलेप करना। अभी मैं आपको बताता हूं, आपने एक बड़ा लॉन्ग वीडियो बनाया, ध्यान से समझिए, बहुत ही पूरे फोकस के साथ में, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये जनरली हमें जब हम 5 से 8 हजार 10 हजार का कोई कोर्स लेते हैं वीडियो एडिटिंग का, उसमें भी सबसे लास्ट में बताते हैं हमें। पीआईपी क्या होता है? आपने कोई लॉन्ग वीडियो बनाया, मान लीजिए आपने 5 मिनट का कोई लॉन्ग वीडियो बनाया और उसमें आप बताते हैं 5 टिप के बारे में, आप हेल्दी रहने के 5 टिप बता रहे हैं, और एक टिप है आपका कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो उस एक्सरसाइज पे आपका एटलीस्ट 1 मिनट का लेक्चर होगा उस वीडियो के अंदर, क्योंकि 5 चीजें आप कवर करने वाले हैं। उस 1 मिनट में आप बताएंगे एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, शुरुआत में क्या करना चाहिए। तो उस समय पर आप एक छोटा सा अपना 10 सेकंड का एक्सरसाइज करता हुआ वीडियो शूट कर लेंगे, उससे होगा क्या, एक ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। मान लीजिए आपने अपने लॉन्ग वीडियो में 1 मिनट में एक्सरसाइज को डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो उसमें क्या दिखाते हैं आप, उस 10 सेकंड में आप खुद से एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे क्या होता है, ओके सामने वाला पर्सन खुद कर रहा है तब मुझे बता रहा है, सामने वाला पर्सन मनी की बात कर रहा है लेकिन सामने वाला उन हैबिट को फॉलो कर रहा है, सामने वाला गुड रिलेशंस के बारे में बात कर रहा है लेकिन खुद फॉलो कर रहा है, सामने वाला पर्सन लाइफ कोचिंग के बारे में सिखा रहा है मुझे लेकिन खुद भी फॉलो कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूं इसका एक मैजिक। मैंने पीआईपी पे कलर की क्लिक किया और यहां से मैंने एक वीडियो को यहां पर सेलेक्ट कर लिया। अब इसका मुझे वॉल्यूम नहीं दिखाना है,
है ना, जो मैं उस वीडियो में बोल रहा हूँ उसमें वॉल्यूम नहीं आना चाहिए, तो यहां से मैं इसका वॉल्यूम सेम उसमें जाके सबसे पहले एडिट कर लूंगा, ये वाला, इसका वॉल्यूम मैं बिल्कुल जीरो कर दूंगा, और जो इसकी पिक्चर है इस पिक्चर को मैं ड्रैग करके यहां पे लेके आ जाऊंगा। अब ये ड्यूरेशन मुझे कितना रखना है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है ड्यूरेशन कितना रखना है सेकंड वीडियो का, राइट। ये जनरली छोटा वीडियो होता है, ये पूरे वीडियो पे भी अगर हम चाहे तो शो कर सकते हैं, लेकिन हम इसको छोटा रखते हैं, राइट। मैं जैसे अभी यहां पर इसको ड्रैग कर रहा हूं, आप खुद से करके देखिएगा, एंड ये आपको अपील करता है फिर। यस, तो ये होता है पीआईपी, ये होता है वीडियो को ओवरलेप करना। गोट इट इज एंड एवरीवन, हैव यू गोट इट, टाइप इन द चैट बॉक्स, जी आई गोट इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जब इसको करके देखेंगे देन आप इसको इजीली वे में कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको खुद से करना होगा, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक ये चीजें नहीं हो पाएगी, राइट। तो आपको इसको करना है कि आपका कोई, जो मैंने आपको हेल्थ का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, 5 मिनट का कोई वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जनरली ये कहां पर यूज होता है, जब आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं स्पेशली, वो कोई वीडियो 2 से 4 मिनट का होता है। हाँ, छोटे वीडियो में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप इसको 30 सेकंड में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरलैपिंग आप कर सकते हैं। यहां पर दो चीजें भी हम कर सकते हैं, मैं चाहता हूं मेरे इस वीडियो की तो वॉइस आए जो मैंने ओवरलैप किया, और जो मेरा नीचे का वीडियो है उसकी वॉल्यूम कम हो जाए। अब मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा देता हूं, यहां पर इसका वॉल्यूम मैं 100 कर देता हूं, और अपने नीचे वाले वीडियो का इसका वॉल्यूम मैं कम कर देता हूं। ओके, तो उसमें भी आप पर्टिकुलर अपने उस वीडियोज के म्यूजिक को आप बढ़ा सकते हैं, और इसका जो हमारा वीडियोज का है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। ऑलरेडी ये सारी चीजें मैंने कवर किया है। ओके, आर यू हैप्पी पीपल, गिव मी इन द चैट बॉक्स SH, सुपर हैप्पी। और इसको मैं यहां पर सेव कर लेता हूँ। रेजोल्यूशन के बारे में, फ्रेम रेट के बारे में मैंने डिटेल में वीडियोज आपको बनाए हैं, तो उसका एक्सेस हम आपको देंगे। तो ये करने के बाद में हमारा ये कन्वर्टिंग वीडियोज हो रहा है, सो ये होता रहेगा। लेट मी स्टॉप माई स्क्रीन। तो यहां से करने के बाद में हम इसको कहीं पर भी अपने वीडियोज को लेकर जा सकते हैं, राइट। तो आज हमने वीडियो एडिटिंग को बहुत ही डिटेल में कवर किया कि किस तरह से हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये कब होगा, जब आप खुद से करके देखेंगे, सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा। अभी मैं एक चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बहुत दिनों से हमने एक एक्टिविटी नहीं किया है, हमने कई दिनों से, बहुत दिनों से एक एक्टिविटी नहीं किया है। प्लीज गिव मी इन द चैट बॉक्स, कितने लोग उसको एज्यूम कर पा रहे हैं या उसको गैस कर पा रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी हमने काफी दिनों से नहीं की है सोशल मीडिया के ऊपर। जल्दी से बताएं, गिव मी इन द चैट बॉक्स ईच एंड एवरीवन, जस्ट गिव मी ए सेक सो दैट टॉप लर्निंग्स एंड पोस्ट। कितने लोग उसको गैस कर पा रहे हैं, फेसबुक बिजनेस फीडबैक, यस डेफिनेटली, वीडियो अपलोड, टुडेज लर्निंग्स, यस, हमने अपनी टुडेज लर्निंग्स को शेयर नहीं किया है। ओके, मैं एक आपके लिए पोस्ट कर देता हूँ सो दैट आप ये कर पाए बड़े इजी वे में।
एंड मैं यहाँ पर आपके लिए एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, सो दैट यू आप उस पर जाकर सेव कर सकते हैं। सो आपकी जो भी टॉप लर्निंग्स रही है उसको आप शेयर कीजिए जाकर ग्रुप्स के अंदर, कि आपकी लर्निंग्स क्या रही है ग्रुप्स के अंदर, आज की टुडेज टॉप लर्निंग्स क्या रही है आपकी। और उसके लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय देता हूं, फिर मैं